शिवपुरी की खनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खड़ीचरा में तीन बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। वहीं बच्चों को लेने आती है तो बच्चों की मारपीट एवं सास की मारपीट कर देती है। जानकारी के अनुसार रामकुंवर जातक निवासी ग्राम खड़ीचरा ने बताया कि 13 दिसंबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे आरोपीगण हरिभान लोधी, महिला आशा हरिज्ञान, कल्लू खड़क सिंह निवासी चमराव था थाना खनिया थाना आए और नाबालिग नाती आसिक जाटव आयु 11 वर्ष, पलक आयु 10 वर्ष, परी आयु 8 वर्ष, स्कूल से पढ़कर आशिक की दादी रामकुंवर के साथ घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में हरिभान लोधी ने रामकुंवर का हाथ पकड़ा और मारपीट की। थाने पर शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज एसपी ऑफिस में एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई। क्या नाम है दादी का? मेरा राम कुमार। ये मारपीट की आपकी किसने की? हरज्ञान आशा कल्लू ये कौन लगते हैं आपकी? नहीं उसी के साथ हैं, आशा के साथ। आशा कौन लगती है आपकी? आशा हमारी पहले बहू गति। अभी चमरौगा है। मतलब क्यों? उसी के साथ हरज्ञान के साथ है। मतलब क्या भाग गई? भाग गई। अब भाग गया वो क्या मालूम, तीन बच्चे छोड़ गए। हम दादी दादा कर रहे हैं पापा। मारपीट क्यों करी फिर? मारपीट जो करी के बच्चा लेने आती है। ठीक है फिर। हाँ तो बच्चा लेने आई स्कूल में, मैं स्कूल से लेके जा रही थी, मैं छोड़ा था नहीं अकेले, दो अकेले पकड़ ले रहा। फिर वो संगे आए, तीन चार लोग उसके संगे आए, दो गाड़ी आई। हम तो बड़ी के बच्चा लोग जा रहे थे पीछे के पीछे, आन के हाथ ही आन पकड़े, हाथ आन पकड़े में अकेले। पुलिस स्टेशन से करने पुलिस स्टेशन गए थे, 3 घंटा बैठे रहे, कोई से बात। कौन सा धान लगता है? खनिया धान। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई? भैया क्या नाम है आपका? मोहर सिंह जाटव। क्या शिकायत लेके आप एस पी बुलाए? बच्चों की मारपीट, माँ की मारपीट की है। किसने की है? उसने, खलक सिंह ने, कल्लू ने, हरज्ञान ने। क्यों मारपीट करी आपको? सर बच्चों को, बच्चे स्कूल में पढ़े, माँ वो बच्चों की माँ भर चुकी थी पहले, तो फिर जब बच्चों को लेने आती है जबरदस्ती, वो बच्चे जाते नहीं यहाँ, तो उनकी कल आई तो स्कूल के ग्राउंड में घेर लिया माँ को, और दो तीन चार लोग साथ लेके आई थी साथ में, तो उनने बच्चों, उनने माँ की मारपीट की। मारने के कोई पीछे कोई एक वजह? कोई उससे सर बात मात करती होगी फोन से, जो आदमी है ना, हरज्ञान से जाटा है। मैं गाड़ी से वहाँ में कोई है नहीं, रिश्ते में कोई नहीं है। तो क्या बेहद संबंध बनाए हुए हैं? हाँ गाड़ी में, साथ में है। हाँ उसी के साथ में। कितने समय से? 4 महीना हो गया सर। 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ सर कि हमारी पुलिस मदद करे, सहायता करे, कि बच्चों को ना मारे और माँ को नहीं मारे, और वो बच्चों को नहीं आ लेने दोबारा से। लगा नाम क्या है? आशा जाटव। उसे क्या संबंध है आपका? मैं आशा जाटव से। नहीं आपको इसका क्या है? आशा से मेरी पत्नी थी सर, मेरी वाइफ पहले। तो थाने में धोखा लगाई आपने? लगाई सर थाने से। कोई पता नहीं सर, ये तो मुझे पता नहीं है। आपको डाउट कैसे हुआ? डाउट जब वो भगा, जब पता पड़ा। तो आपने उन, मुझे पता पड़ गया था कि इसके साथ भाग गई एक दो दिन में। आपने फिर उसके बाद क्या किया? थाने में रिपोर्ट करवाई, थाने से कोई सुनवाई नहीं मिली। उसके बाद फिर आप सर एस पी ऑफिस पहले भी आते एक बार, अभी तो दोबारा माँ को मारा तब एस पी ऑफिस आए। अभी अभी बताया कि दवाई ववाई भी खिलाई थी बच्चों को, क्या कुछ लिए पूरे मामले? वो तो पहले जब वो भगी थी तब खिलाई थी बच्चों को नींद की गोली। इससे पहले भी भाग चुकी है? नहीं सर, इससे पहले भी भाग चुकी थी क्या? नहीं नहीं वो जब की है, हम बुला नहीं रहे उसको, ना रखना चाहते हैं उसके।